बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। बोलो जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी। अब तो बोलो जुबा केसरी, अब तो मैं भी बोलूंगा, बोलो। कार्तिक तू आ, तू जा। इसलिए कहते हैं दोस्तों, बोलो सोच समझ के। अब वही बात है ना कि अक्षय कुमार भावनाओं में आके कुछ बोल तो देते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि फिल्म मेकर्स के पास आज की डेट में ऑप्शंस की कमी नहीं है। तो आजकल बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार सोशल मीडिया पर हर जगह छाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिसेंटली एक इवेंट पर बोल जो दिया है कि वो हेरा फेरी 3 का पार्ट नहीं होने वाले है। बस उसी के बाद से मीडिया रिपोर्ट्स में ये बता दिया गया है कि इस बार अक्षय कुमार की जगह कार्तिक आर्यन होंगे इस फिल्म का पार्ट। हाँ, वही कार्तिक आर्यन जो आजकल अक्षय कुमार की फिल्म्स के सीक्वल्स में नजर आ रहे हैं। वैसे आपको बता दूं कि अक्षय कुमार ने हेरा फेरी 3 छोड़ने की वजह बताई थी उसकी स्क्रिप्ट, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। लेकिन खबरें तो ये भी आ रही है कि उन्होंने ये फिल्म फीस की वजह से भी छोड़ी है, जो अपेरेंटली उनके हिसाब से ऑफर नहीं की गई थी, इसलिए उन्होंने हेरा फेरी 3 को कर दिया था बाय बाय। लेकिन इससे फिल्म के डायरेक्टर फिरोज नाडियाडवाला और अक्षय कुमार के बीच कुछ ऐसा हो गया है जिसको लेकर अक्षय कुमार फिर से कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं। तो जब अक्षय कुमार ने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कह दिया था कि उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई है, तभी से फिरोज नाडियाडवाला उनसे काफी हर्ट हुए हैं। तो बस उसी वजह से अक्षय कुमार को आवारा पागल दीवाना 2 और वेलकम 3 में भी लेना है या नहीं लेना, फिरोज नाडियाडवाला काफी टाइम से इस बारे में भी सोच रहे थे। एंड एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट्स नाउ, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वेलकम 3 और आवारा पागल दीवाना 2 में भी वो अक्षय कुमार को नहीं लेने वाले हैं। हालांकि फिरोज नाडियाडवाला ने ये भी बताया है कि अभी के लिए उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ हेरा फेरी 3 पर है। इसी के साथ आपको बता देती हूँ कि खबर तो अब ये भी आ गई है कि अक्षय कुमार ने हेरा फेरी 3 के लिए 90 करोड़ की डिमांड की थी और अब कार्तिक आर्यन ने इसी रोल को हेरा फेरी 3 में प्ले करने के लिए 30 करोड़ में हाँ कर दी है। वैसे जो भी हो, हमें लगता है कि अक्षय कुमार को अब थोड़ा सोच समझ कर ही कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उनके कई सारे प्रोजेक्ट्स कार्तिक आर्यन के पास जा रहे हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि लॉन्ग रन में अक्षय कुमार को इससे काफी प्रॉब्लम हो सकती है। अब वेलकम और आवारा पागल दीवाना जैसी आइकॉनिक फिल्म्स में अक्षय कुमार की ना एक अपनी ही जगह थी, लेकिन अब यही दो फिल्मों के सीक्वल्स उनके हाथ से चले गए हैं। वैसे आपको ये भी बता देती हूँ कि अक्षय कुमार की अभी लगातार 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। उनकी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई। उसके बाद आई अक्षय कुमार की दोनों फिल्में, यानी कि रक्षाबंधन और राम सेतु भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। अब ऐसे में देखना यह है कि आगे चलकर अक्षय कुमार किस तरह की फिल्मों को हाँ करते हैं और किस तरह की फिल्मों को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन अभी के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आप भी एक्साइटेड थे हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार को पहले की तरह आइकॉनिक रोल को प्ले हुए देखने के लिए या फिर नहीं। बाकी मैं तो नाक्षी कालरा बहुत ही जल्द मिलूंगी आपसे किसी और वीडियो के साथ। इसी तरह के और भी एंटरटेनमेंट अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहिए यू ही ENT Live।